को प्रेजेंटेड बाय राकेश मसाला, असली स्वाद बांटने से बढ़ता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ धीरेंद्र अवस्थी। शुरू हो चुकी है सत्ता की रेस, साधे जा रहे हैं समीकरण, क्योंकि शुरू हो चुका है जनसंख्या के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे का चुनावी रण। और इस रण में कौन किस पर भारी है, किन मुद्दों पर राजनीति जारी है, हमारे खास शो 4 North 3 में हर एक विधानसभा क्षेत्र में हर एक मुद्दे की पड़ताल करेंगे। आज बात करेंगे आजमगढ़ विधानसभा क्षेत्र की। प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है तो राजनीतिक दलों का सबसे ज्यादा फोकस पूर्वांचल पर है, और इसी पूर्वांचल के बीचों बीच स्थित है जिला आजमगढ़। 2 लोकसभा सीट और 10 विधानसभा सीट और इन्हीं विधानसभा क्षेत्रों में से एक है आजमगढ़ विधानसभा क्षेत्र, जिसे समाजवाद का गढ़ माना जाता है। मतलब इस सीट पर लंबे वक्त से समाजवादी पार्टी का कब्जा है। दिलचस्प बात यह है कि सीट पर अब तक सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब नहीं हुई है। आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी का अभेद्य दुर्ग कहा जाता है। यहां से समाजवादी पार्टी के दुर्गा प्रसाद यादव विधायक हैं। दुर्गा प्रसाद आजमगढ़ से 8वीं बार विधायक हैं। पहली बार 1985 में निर्दलीय विधायक चुने गए और इसके बाद 1989 और 1991 में जनता दल के टिकट पर विधायक चुने गए। 1996, 2002, 2007, 2012 और 2017 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक चुने गए। 1985 से अब तक एक चुनाव ऐसा रहा जब दुर्गा प्रसाद यादव विधायक नहीं चुने गए। साल 1993 में बीएसपी ने आजमगढ़ सीट पर बाजी मारी थी। इसके अलावा अब तक कोई भी दल दुर्गा प्रसाद यादव को चुनौती नहीं दे सका है। 2017 विधानसभा चुनाव में दुर्गा प्रसाद यादव को 88,087 वोट मिले, जबकि बीजेपी के अखिलेश कुमार मिश्र को 61,825 वोट मिले थे। दुर्गा प्रसाद यादव की पहचान बाहुबली नेता के तौर पर है। दुर्गा प्रसाद समाजवादी पार्टी सरकार में परिवहन मंत्री भी रह चुके हैं, हालांकि उनके क्षेत्र में परिवहन की स्थिति ठीक नहीं है। हाल ही में जनता के लिए खोला गया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आजमगढ़ को जोड़ता है, लिहाजा लखनऊ से आजमगढ़ की दूरी घटी है, रफ्तार तेज हुई है। ये बात और है कि आजमगढ़ शहर के अंदर सड़कों की स्थिति ठीक नहीं है। आजमगढ़ के लिए तो सबसे जरूरी रोड, शहर की रोड की बात करिए तो आप कोट मोहल्ले से आप हरक चुंगी चले जाइए, सदर हॉस्पिटल को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है। और अगर कोई मरीज अगर जा रहा है, अगर जाम की इतनी बुरी स्थिति रहती है और रोड इतना ख़राब है कि हमको तो लगता है कोई कई घटनाएं रास्ते में हो जाती होंगी, और जो अभी तक विधायक जी के या यहाँ के जो भी माननीय लोग हैं उनके कानों पर जूं रही होंगी। आजमगढ़ विधानसभा क्षेत्र में यादव वोटर्स निर्णायक भूमिका में है। इसके बाद सबसे ज्यादा संख्या दलित मतदाताओं की है। मतदाताओं की संख्या 3,41,273 है। पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,89,034 और महिला मतदाता 1,52,220 हैं। आजमगढ़ में लंबे वक्त से विश्वविद्यालय की मांग की जा रही थी, जिसका शिलान्यास 13 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने किया। कि जिस आजमगढ़ को दुनिया भर के अंदर सपा के शासन के अंदर कट्टरवादी सोच और आतंकवाद की पनाहगाह के रूप में जाना जाता था, उसी भूमि पर आज मां सरस्वती का धाम बनाने का काम उन्होंने। हालांकि विश्वविद्यालय के शिलान्यास को भी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि बीजेपी समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंधमारी की कोशिश में जुटी है। अब सवाल है कि जनता 2022 में किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है। विश्वविद्यालय की मांग काफी समय से चली आ रही थी, जिसे पूरा करके बीजेपी ने एक नया ट्रंप कार्ड खेल दिया है। देखना यह होगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में इस बार समाजवादी पार्टी दोबारा से अपना किला बचा सकती है, या फिर बीजेपी अपने नए ट्रंप कार्ड के जरिए आजमगढ़ की राजनीति में एक नया इतिहास रचती है।
आजमगढ़ से न्यूज स्टेट के लिए रवि प्रकाश सिंह। आजमगढ़ विधानसभा सीट से दुर्गा प्रसाद यादव विधायक हैं, जिनका अपनी उपलब्धियों पर क्या कुछ कहना है सुनिए। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी निधि है या संसद निधि है, उससे विकास का काम हुआ है। पहला तो यह है कि जो महामारी आई थी कोरोना में, हमने 25 लाख रुपया अपनी निधि से देने का काम किया था, विकास निधि से। हमारे अखिलेश यादव जी ने भी 1 करोड़ पहले दिया था और फिर 1 करोड़ बाद में BPCI या चतरवा को देने का काम किया। आपको कोटापुर माधोपट्टी में जो मड़िया है, मड़िया में लगा है, आपके सेठवल रानी की सराह में 132 KV का लगा हुआ है, आपके ऊंची गोदाम में लगा है, अनेक सभी स्टेशन हमने देने का काम किया था। लोग दोबारा आपको क्यों? इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल झूठ बोलने के अलावा और जनता को गुमराह करके वोट लेना चाहते हैं। तो जनता जान चुकी है, इनका पर्दाफाश हो चुका है। आने वाले दिनों में 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और उसके मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी होंगे। इस बार जीते तो क्या करेंगे? आजमगढ़ में हम हर गांव को जो आवाज आज जाइए, देखिए मैं गांव में गया था, कई गांव में गया, आवाज जो जो पुराना मकान है बेचारे नहीं बना पा रहे थे, वो मकान टूट के गिरा हुआ है, उसका लेखपाल नहीं जा रहा है। मैंने SDM से कहा कि आप उसको भेजिए, जाके जांच करके जो उसको मुआवजा मिलना चाहिए उसको मिलना चाहिए, मगर ये लोग सर्वे नहीं कर रहे हैं। तो हमारी सरकार आएगी तो प्राथमिकता के आधार पर हम उसको आवाज देने का काम करेंगे गरीबों को। और दूसरी बात यह है कि हम किसानों को, गरीब जनता को 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे। आजमगढ़ वो विधानसभा क्षेत्र जहां 2017 में मोदी लहर के बाद भी समाजवादी पार्टी जीत दर्ज करने में कामयाब रही, और इस क्षेत्र में विकास को लेकर विधायक के दावों पर BJP का क्या कुछ कहना है सुनिए। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? किस तरह से इस 5 सालों को देख रहे हैं, विधायक के कामकाज को किस तरह से देख रहे हैं? विधायक 5 साल तो नहीं, विधायक को लगभग 8 बार में 40 साल होने को हैं और उन्होंने कुछ नहीं किया है। आप पूरी सदर विधानसभा में घूमिए, सड़कों की स्थिति बद से बदतर है, यहाँ तक कि उनका घर जहाँ है आहोपट्टी वहाँ की सड़कों को जाके देखे तो वो भी स्थिति बहुत ही ख़राब है। उन्होंने 40 साल में जाति को देखकर सड़क बनाने का काम किया है, उन्होंने केवल परिवार को बढ़ाया है, यानी हम ये खुला कहते हैं कि वो परिवारवाद उनके पर बहुत ही हावी रहा है। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों? 3 बड़े काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी की सरकार ने किया है, विश्वविद्यालय जो ये समाजवादी पार्टी की सरकार, तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा मंत्री इसी जिले के, और जो सदर के वर्तमान विधायक हैं ये भी मंत्री रहे कैबिनेट में, इन्होंने विधानसभा में कहा कि आजमगढ़ में विश्वविद्यालय का कोई औचित्य नहीं है, और हमारी सरकार ने, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने, आजमगढ़ को, नौजवानों को 1 अदद विश्वविद्यालय देने का काम किया है, और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जैसा वो कहते हैं कि समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमारी देन है, हम कहते हैं कि जब मेरी सरकार बनी तो न उसकी निविदा हुई थी न जमीनों का अधिग्रहण शुरू हुआ था। आपकी पार्टी जीती तो क्या प्राथमिकता होगी? सरकार बनी तो न उसकी निविदा हुई थी न जमीनों का अधिग्रहण शुरू हुआ था। मंदुई एयरपोर्ट जो एक हवाई पट्टी जो खुद की जहाज को उतरने के लिए समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बनाया था, हमने उसे जनता के लिए सुगम बनाने के लिए जल्द ही वहां से हवाई पट्टी हवाई अड्डा के रूप में उसको विकसित करके जल्द ही उड़ान शुरू करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर क्षेत्र की जनता क्या मानती है, क्योंकि ये पब्लिक है,
सब जानती है। सदर विधानसभा में जो 4.5 साल ये पिछली सरकार का वर्तमान सरकार का जो है इसमें तो कुछ नहीं हो पाया। 4.5 साल इस सरकार में आजमगढ़ विकास से अछूता है। 4 साल में मेरे नोटिस के हिसाब से तो आजमगढ़ जैसा 4.5 साल पहले था वैसे ही आज भी है। कुछ बदलाव नहीं है? नहीं, कोई बदलाव नहीं नजर। देखिए, विकास के नाम पर तो अभी भी आजमगढ़ हमारा अछूता ही रहा है। कुछ चीज़ों को छोड़ दे तो अभी जो मौलिक चीज़ें हैं वो अभी पहुंच से काफ़ी दूर है। यहाँ पर कोई ऐसा कोई परिवर्तन नहीं, जो पहले था वैसे अभी है। हमको तो ऐसी कोई भी विकास का कार्य दिख नहीं रहा है कि कोई भी विकास कार्य हुआ हो। हाँ, अभी विश्वविद्यालय की घोषणा हुई है जो उम्मीद है कि 5 साल 4 साल बाद हो पूरी, लेकिन अभी वर्तमान में तो कोई भी ऐसा विकास का कार्य नहीं हुआ है। और चुनाव आ गया, तमाम लोग वादा करेंगे और कोई खरा उतरता नहीं है। अब बची सबसे बड़ी बात है कि यहाँ रेलवे की व्यवस्था बहुत ख़राब है। शहर के सड़कों पे कोई ध्यान नहीं दिया गया, गांव जो रोड जाती है उस पे कोई ध्यान नहीं दिया गया है। स्थानीय समस्या क्या है? सबसे बड़ी मूल समस्या तो है सड़क की। चारों तरफ सड़क टूटे हुए हैं। अभी यहाँ से जाना है बनारस तो 2 घंटे के रास्ते में को हम 4 घंटे में तय करते हैं, और इधर आप चले जाएंगे सीधे मेहनगर से जो है गाजीपुर की तरफ तो सड़कें टूटी हुई है। आजमगढ़ के लिए तो सबसे ज़रूरी रोड, शहर की रोड की बात करिए तो आप कोट मोहल्ले से आप हरक चुंगी चले जाइए, सदर हॉस्पिटल को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है। और अगर कोई मरीज अगर जा रहा है, अगर जाम की इतनी बुरी स्थिति रहती है और रोड इतना ख़राब है कि हमको तो लगता है कोई कई घटनाएं रास्ते में हो जाती होंगी, और जो अभी तक विधायक जी के या यहाँ के जो भी माननीय लोग हैं उनके कानों पर जूं रही होंगी। यहाँ तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, यहाँ तो पहले से ही काफ़ी समाजवादियों का गढ़ रहा है और हमेशा यहाँ व्यापारियों से कभी कोई भी गुंडा टैक्स या कुछ भी इस तरह का कोई भी रंगदारी नहीं ली गई है, और सभी चीज़ यहाँ बहुत अच्छी है, पहले भी अच्छी थी और आज भी अच्छा है। थोड़ा सा हमारे जो शहर के अंदर की सड़कें हैं वो काफ़ी गड्ढा युक्त हैं। लोकल समस्याएं हर जगह की एक ही हैं अगर देखा जाए तो, सड़क, बिजली और पानी। और यहाँ सड़कों की हालत आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। कुछ सड़कों को, गिनी चुनी सड़कों को छोड़ दिया जाए, कोई सड़क ऐसी नहीं है जो चलने योग्य हो। पानी की हाल ये है, नगर क्षेत्र में बात करें तो सप्लाई होती है, पानी की आपूर्ति की जाती है नगर पालिका द्वारा, लेकिन कई जगहों पर कई मोहल्ले आज ऐसे हैं, जैसे आप चले जाइए चौधरी गेस्ट हाउस के बगल में जो जोधी का पूरा मोहल्ला है, इसके बाद आ जाइए आप माधवरगंज, इन जगहों पे दूषित पानी की आपूर्ति हो रही है। आजमगढ़ उन विधानसभा क्षेत्रों में से एक है जहां अब तक बीजेपी कमल नहीं खिला पाई है। माना जा रहा है कि बीजेपी 2022 में जीत दर्ज करने के लिए पूरी कोशिश करेगी 403 में। आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ स्टेट। नमस्कार।